हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ चना उड़द दाल की एकदम सिंपल एंड इजी रेसिपी। इस रेसिपी को हम बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ पर एक कटोरी चना दाल, आधी कटोरी छिलके वाली उड़द दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला, अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। प्याज को थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे जो है दाल में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं, 1 बड़े साइज के टमाटर का यूज़ किया मैंने, और अब हम यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो रखा है। तो स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो हम ये सारे मसाले इसमें मिला देंगे। तो मसाले मिलाने के बाद हम यहाँ पर इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और मसालों से तेल अलग ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इनको मैं ढक दूंगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल भी अलग हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर दाल डाल देंगे, और दाल डालने के बाद हम इसको मसालों में खूब बढ़िया से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद मैं यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपको दाल थोड़ी लिक्विड रखनी हो तो आप यहाँ पर थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाएंगे, 1 सीटी फुल फ्लेम में और 3 से 4 सीटी लो फ्लेम पे ले लेंगे। और जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम दाल को चेक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे दाल को पकने में, तो मैं यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद चेक कर लूँगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, कुकर ठंडा हो गया है, दाल भी हमारी बन चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। 10 से 15 मिनट लगे हैं दाल को बनने में, कलर भी कितना बढ़िया आया है और दाल एकदम गल भी गई है। तो आप मेरे इस तरीके से एक बार दाल ज़रूर बनाकर देखिएगा, आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। और अगर आपको इसे और टेस्टी बनाना है तो आप इसमें ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।